थैंक यू फॉर द क्वेश्चन फर्स्टली. वैसे हम जो देख रहे हैं दंगल में जो नए शोज आ रहे हैं इंक्लूडिंग आर शो, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आ रहे हैं. एंड ये शो का नाम है रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल. मेरे लिए बहुत रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि इस शो में क्या होता है, रसाल अपने भाई को राखी बांधती है. पूरी दुनिया जानती कि ये रीत सिर्फ भाई को राखी पहनाने का होता है क्योंकि भाई मर्द है, स्ट्रॉन्गर है, बहन की रक्षा कर सकता है. बट यहाँ पे रसाल का जो है वो जिगर की बात होती है, मैं भी अपनी भाई की रक्षा करूँगी. शी इज़ वेरी टेरिटोरियल. और मैं रिलेटेबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तब मैं अपने पूरे फैमिली को राखी बांधती थी, माय नाना नानी डैडी ब्रदर सब लोग, इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी. सो बहुत ही स्पेशल यूनिक कहानी है जहाँ पे एक भाई बहन के रिश्ते के बारे में ये शो बता रहा है. बियॉन्ड ड्रीम्स इसे प्रोड्यूस कर रहा है यश पटनायक सर एंड ममता पटनायक. एंड बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ. बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत अच्छी तरह से हमारी शूटिंग चल रही है. मोहित सर बहुत अच्छी तरह से हमारे इमोशंस भी निकालते हैं और हमारा काम भी बहुत फास्ट होता है. सो इट्स अ ग्रेट डे एंड रक्षाबंधन के दिन हम इस शो के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स अ ग्रेट थिंग. सी ये एक टी वी शो है एंड टी वी शो होता है घर घर की कहानी टाइप, जहाँ पे बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत सारे स्टोरी लाइन्स होती है, बहुत सारे अलग अलग किरदार होते हैं, उनके रेपरकशंस क्या होते हैं, कौन सा किरदार क्या करता है. बेस ये है कि हम ये स्टोरी स्टार्ट करें एक भाई बहन के रिश्ते की साथ. अब फैमिली मेम्बर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हाउ ये भाई बहन का बॉन्ड जो है कैसे इस फैमिली को बांध के रखता है या खुश रखता है, बेसिक स्टोरी वो है. सो पहली बात तो ये है कि जब हम एक्सपीरियंस और सीजन्ड एक्टर्स जिसे कहते हैं शो पे लाते हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है, बेसिक क्लियर ये रहता है कि हम यहाँ पे हमने एक सीन में कितना अच्छा किया बात वो नहीं रहती है, हम सब ने मिलके सीन को कितना अच्छा बनाया वो मैच्योरिटी रहती है. सो इसीलिए जब वो मेंटालिटी हम सब की है ना, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू वर्क टुगेदर. बहुत आसान हो जाता है हमारे कि हम बैठ के एक दूसरे के साथ रिहर्सल अच्छी तरह से करें ताकि सीन में केमिस्ट्री निकल आए, जो सीन का मुद्दा है वो बाहर निकल के आए. एंड वो सीजन एक्टर्स ही कर पाते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही विजन होता है कि हम शो को कितना बड़ा बनाएं, हम सीन को कितना बड़ा बनाएं, हम इमोशंस को किस तरह ऑडियंस तक पहुंचाएं. सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमारे सेट पे सब बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं एंड सब नेचुरल एक्टर्स हैं. सो आप कोई भी मोनोटोनस एक्टिंग नहीं देखोगे यहाँ पे, जो टिपिकल एक्टिंग जो होती है, बहुत ही इमोशंस को टच करने वाले एक्टिंग देखोगे आप. सी कुछ शोज ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि मैं दिव्य दृष्टि में एक यूनिक कैरेक्टर था एंड मैं उस कैरेक्टर के वजह से जानी जाती हूँ. ये शो ऐसे एक्टर्स को लेके आए ताकि ये स्टोरी बना बढ़े. एंड यू नेवर नो, मेरे चकोरी के एक कैरेक्टर में इतने शेड्स हैं. मैं कभी पॉजिटिव प्ले करती हूँ, कभी नेगेटिव प्ले करती हूँ, कभी कोई डिस्गाइज में आती हूँ, कभी बुड्ढी बन जाती हूँ, कभी खिलौने वाली बन जाती हूँ, कभी कुछ बन जाती हूँ. मेरा एक क्वर्क है और ये चीज़ दोनों के लिए हेल्प कर रहा है, मेरी स्टोरी पर इनपुट देने के लिए या फिर नायरा ने ये किरदार कर पाई या ये सब रोल्स कर पाई एक शो में. इट्स वर्किंग बोथ द वेज एक्चुअली ऑनेस्टली. थैंक यू सो मच.